हेलो बच्चों, मैं अमर जिंदड़ और हम लोग स्टडी कर रहे थे कॉइस सीरम के एप्लीकेशन। हमने एप्लीकेशन पार्ट में स्टडी कर लिया था। अब तक ये पढ़ा था कि अगर हम लोगों के पास एक लाइन चार्ज मीन्स एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है और उस इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से किसी भी डिस्टेंस दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हमने गॉइस सीरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। गॉइस सीरम के फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार स्टेप हमने यूज़ किए थे गॉइस सीरम में कि सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल थीटा की सिमेट्री चेक की थी, उसके बाद हम लोगों ने किया था कि क्लॉज इंटीग्रल ई डॉट डीएस कितना होता है, फिर टोटल चार्ज कैलकुलेट किया था, देन अप्लाई द गॉइस सीरम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। वो चारों को चारे स्टेप आज हम एप्लीकेशन इसमें स्टडी करने वाले। एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट। माइंड इट, इनफाइनाइट प्लेन सीट अगर हमारे पास होता है, थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट, तो उस इनफाइनाइट प्लेन सीट से आर डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक थिन सीट बनाता हूँ, देखिएगा बच्चों, ऐसे ये अपने पास एक थिन प्लेन सीट है और उस प्लेन सीट ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म किया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इस पूरी प्लेन सीट के पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर जो ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, प्लेन सीट है बेसिकली, इसके पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन सीट से किसी डिस्टेंस आर पर, जैसे ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि ये पूरा जो बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड ये एक प्लेन सीट है, और इस पूरे बोर्ड प्लेन सीट होने के बाद इससे किसी डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, वो अपना आज का टॉपिक है। तो हमें सबसे पहले स्टेप में गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है, गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या कंसिडर करें, तो गॉसियन सरफेस पहले होता क्या है, तो गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिक सरफेस होता है जिसमें सिमेट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एंगल थीटा की। एंगल थीटा किसके बीच होता है, एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर के बीच होता है। ये एक इमेजिनरी क्लॉज सरफेस भी कहते हैं हम इसको। तो इसके लिए स्फेयर हो सकता है क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि अगर हम स्फेयर बनाएंगे सर, हम गोला बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और होगी, वहाँ से डिस्टेंस कुछ और होगी, ये डिस्टेंस कुछ और होगी, तो डिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना चेंज हो जाता है। तो हम ये वाला पार्ट नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि स्फेयर हम गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते। अब इसलिए गॉसियन सरफेस क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, मैंने सोचा अच्छा अगर हम ऐसा करें कि इसके इनसाइड हम लोग एक सिलेंडर मान लें, सिलेंडर अज्यूम कर लें, जैसे हम लोग समझते, देखिएगा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। ये अपने पास वो प्लेन सीट है जो कि कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास ढेर सारा ऐसा पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, राइट। इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट में हमने क्या किया, इस प्लेन सीट के अंदर क्या कर लिया हमने एक ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर हमने इंसर्ट कर दिया। अब तब हमने इस प्लेन सीट के अंदर ये सिलेंडर इंसर्ट किया, तो इस सिलेंडर के इंसर्ट करने के बाद ये पूरी जो सिलेंड्रिकल शेप थी ये क्या हो गई आपकी, गॉसियन सरफेस फॉर दैट प्लेन सीट। देखिए यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे तो ये क्या हो गया, एक क्लॉज सरफेस हो गया, राइट। तो इस क्लॉज सरफेस के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल थीटा की सिमेट्री चेक कर ली। बच्चों मैं तो दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा एक चार्ज प्लेन सीट थी, उसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर इंसर्ट कर दिया। जैसे हमने इसके अंदर एक सिलेंडर इंसर्ट किया तो ये सिलेंडर इस कंप्लीट के लिए क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। इसके अंदर क्या था, इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसमें भी क्या रहा होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, ऐसे बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, वो आउटसाइड, और इस तरफ भी कैसे बनाता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरफ आउटसाइड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है इस तरफ, और इसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर हमेशा कहता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। यहाँ पर इसको ऐसे हम ढक्कन लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो इसका क्या हो गया, पूरा प्लेन सरफेस, और इस पर प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर क्या आ गया, इसका एरिया वेक्टर। इसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर। इसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। और सिमिलर केस यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हम क्या देख लेंगे कि ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी बाहर की तरफ है। आइए मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका और अच्छे से क्लियर होगा। हमने क्या किया, एक सिलेंडर रिज्यूम किया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हमने ए, राइट। एक क्रॉस सेक्शन एरिया का हमने सिलेंडर इसमें इंसर्ट कर दिया ऐसे, ये मान लेते हैं हम लोगों ने इसमें ऐसे इंसर्ट कर दिया, ये वाला पार्ट, राइट।
जी हमने इसमें एक सिलेंडर इंसर्ट किया। इसका एरिया हमने क्या माना हुआ है, मान लिया हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंप्लीटली, राइट। अगर इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया है तो बच्चों ध्यान देंगे इस बात पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा यहाँ पे कितना आया, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। यहाँ पर भी थीटा कितना आया, तो यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। अब इसका जो कर्ण पाथ था, इस प्लेन सीट का जो एक कर्ण पाथ था, इस कर्ण पाथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तरफ आ रहा है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कैसा है, ऊपर की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आया, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा आउटवर्ड, तो एंगल कितना आया, तो यहाँ पे थीटा आया 90 डिग्री। बस ये अपना फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस का खत्म हुआ, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, एंगल की सिमेट्री यहाँ पे कितनी है, जीरो डिग्री, इस पूरे कर्व पाथ के लिए कितनी है, 90 डिग्री, इस वाले पार्ट के लिए कितनी है, जीरो डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल की सिमेट्री थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब यानी कि हमने गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ किया, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, थीटा जीरो डिग्री, 90 डिग्री और थीटा जीरो डिग्री, तो थीटा की सिमेट्री हमने इसमें चेक कर ली। सेकंड स्टेप ना हुआ करता है कि हम लोग क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस कैलकुलेट करते हैं। अब क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। अब ये जो क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस है, इसके लिए हमें पूरा क्लॉज सरफेस लेना होगा, लेकिन यहां पर तो कितने सरफेस है, दो, एक दो, और ये पूरा कर्व तीन। मैं इसको कहता हूं लेफ्ट, इसको मैं कहता हूं राइट, इस वाले पार्ट को मैं कहता हूं कर्व सी। तो यहां पर इसका पूरा जो कॉम्बो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सरफेस ई डीएस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट पार्ट ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ राइट पार्ट ई डी एस कॉस थीटा, राइट। अब इन ये जो तीनों पार्ट थे, इन तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है, एक क्लॉज सरफेस बन जाता है। कर्व सरफेस लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री, चेक किया हमने, दैट इज इक्वल टू कॉस 90 कितना हो जाता है, कॉस 90 हो जाता है जीरो। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, कट गया। यहां पे कितना है, जीरो डिग्री, यहां पे कितना है, जीरो डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एंड कॉस जीरो डिग्री इज व्हाट, वन, प्लस इससे भी ई बाहर आ गया क्योंकि ई सिमेट्रिक है, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा, डीएस और कॉस जीरो डिग्री क्या, फिर से वन। तो अपने पास इन दोनों का इंटीग्रेशन बाकी रहेगी अपने पास, अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, भाई डीएस जो पार्ट था हमें क्या था, ये क्रक्शन एरिया लिया था छोटा 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 इसके लिए। अब अगर इसका पूरा क्रक्शन एरिया मैं लूंगा, ये वाला जो पार्ट था इसमें मैंने छोटा सा यहाँ पे डीएस लिया, तो इस डीएस को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ये पूरा एरिया आएगा। अब ये जो पूरा एरिया आता है, इस कंप्लीट एरिया के लिए हमने अज्यूम किया हुआ था कि इसका एरिया कितना लिया है, ए, और यहाँ पर भी कितना लिया हुआ है, ए। यानी कि अगर मैं डीएस को इंटीग्रेट करूंगा तो डीएस का इंटीग्रेशन आएगा अपने पास एरिया ए, लिख दिया हमने यहाँ पे ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, ये कंप्लीट मिला के कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू टू ई ए, दैट इज व्हाट, क्लॉज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। बच्चों अब हमारा तीसरा स्टेप इसमें बचा है जिसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज। तो इसकी चार्ज डेंसिटी मुझे यहां पे लिखनी चाहिए पहले, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज व्हाट, एरिया, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके हम प्लेन सीट में पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये चार्ज पर यूनिट एरिया से हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल चार्ज, तो हमने यहां पे लिखा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए क्यों हम उसे कहते हैं, वो कितना होगा, अगर मान लीजिए एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, दो यूनिट एरिया में कितना होगा, दो सिग्मा, तीन में तीन सिग्मा, अरे ए में कितना होगा, ए सिग्मा। तो हमने क्या किया, उस टोटल एरिया ए में निकालना है हमें तो चार्ज, तो टोटल ए में कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इनटू ए, दैट इज व्हाट, टोटल चार्ज। नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई द गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है, अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम अपने पास होता है क्लॉज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट मीन्स मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, क्लॉज इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, क्लॉज इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट, टू ई ए, टू ई ए, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से एरिया क्या हुआ, कट गया. कितना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुई इस एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. यानी कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट आया था वो क्या आया था, लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अपना यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. यानी कि अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये पूरी प्लेन सीट है, ये बोर्ड एक प्लेन सीट है, इस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिवली चार्ज सीट से 5 मीटर दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, 5 मीटर दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इससे 10 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोगुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा. तो आंसर है ना दोगुना होगा और ना आधा होगा. तो क्या होगा भाई, तो उस कंडीशन में वो सेम रहेगा क्योंकि अपना इस केस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता. अब आप लोग कह रहे होंगे ना डिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे. तब अपने पास पूरे एरियल पूरा इन्फाइनाइट लंबा था, ये इन्फाइनाइट लॉन्ग था, तो हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना था, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह यह है कि भाई अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो ये यहाँ चला गया, ये इधर चला गया, तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गया. बट अगर वो स्ट्रेट मूव कर रहे हैं और वो स्ट्रेट ही मूव करते रहेंगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और जितनी फील्ड लाइन्स यहाँ पर आ रही है 3, उतनी यहाँ पर भी आएंगी, उतनी यहाँ पर भी आएंगी, ऑफ इन्फिनिटी तक चले जाइए, उतनी आएंगी, क्योंकि फील्ड लाइन्स मुड़ नहीं सकती. क्यों नहीं मुड़ सकती, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज है, वो बोलेगा सीधा चलना है, उसके ऊपर भी चार्ज है, वो बोलेगा सीधा चलना है, ऊपर भी चार्ज है, सीधा चलना है, तो क्या होगा, सभी सर्च में जा रही होंगी और हर जगह पर यूनिफॉर्म रहेगी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी पर ही डिपेंड करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हुआ यहाँ पर. ये बात आपको क्लियरली समझ आई होगी. अच्छा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके सब प्लेन सीट. अगर मैं इसी की बात करूँ, इसी को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए ये जो प्लेन सीट थी ये डबल चार्जेस होती, यानी कि इस तरीके से होती कि यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होता और यहाँ भी चार्ज होता पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में क्या होता कि इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितना बनता, सेम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वजह से भी कितना, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना आ जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इन केस ऑफ व्हाट, डबल साइडेड चार्ज. अगर डबल साइडेड चार्ज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपना ये वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है. सिंगल प्लेन शीट होता है, बहुत बहुत ही थिन होता है, तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है. माइंड इट, याद रखें, दिस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर या सेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया करते हैं इन चारों स्टेप से. थैंक यू वेरी मच.